मध्य प्रदेश में चार दिन के बाद ब्रेक के बाद रविवार से प्रदेश भर में बादल छाने लगे हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अरब सागर में चक्रवर्तीय गतिविधियां बनी हुई हैं। इसके कारण अरब सागर से नमी आ रही है, इसी कारण प्रदेश भर में बादल छा रहे हैं। जबलपुर और रीवा जैसे संभागों में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह बारिश होने की संभावना है। वहीं देर रात तक भोपाल और इंदौर में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई। जबलपुर ग्वालियर में गरज चमक की स्थिति रही। वहीं मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों में इस दौरान जबलपुर शहडोल रीवा सागर उज्जैन ग्वालियर चंबल इंदौर भोपाल और नर्मदापुरम में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। जबलपुर शहडोल इंदौर और नर्मदापुरम में हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं।